हाय एवरीवन, मास कम्युनिकेशन बेसिक ट्यूटोरियल क्लास में मैं अंशु सिन्हा आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज के इस टॉपिक का नाम है हाउ टू क्रैक एन ऑनलाइन इंटरव्यू। तो मैंने आपके ही टॉपिक के हिसाब से जो भी आप लोगों ने पोस्ट किया था आपके क्वेरीज में से मैंने को ऑप्ट किया है और आज मैंने इस टॉपिक पर मैंने आज वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स, पॉइंट वाइज पॉइंट हम इस चीज़ को समझते हैं कि ऑनलाइन इंटरव्यू को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बताने के लिए वो ये है कि ऑलवेज़ यूज़ लैपटॉप। जब आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो तो कोशिश करें कि आप लैपटॉप का इस्तेमाल करें। लैपटॉप का इस्तेमाल इसीलिए करने को कह रही हूँ क्योंकि लैपटॉप बेसिकली आप किसी भी एक पोजीशन पर वो फिक्स हो जाता है। अगर आप टेबल पर बैठे हैं तो आप उसको टेबल पे प्लेस कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि टेबल चेयर का जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट रहता है, तो आप उस चीज़ को इस्तेमाल करें और एक प्रॉपर जगह पर वो प्लेस्ड हो जाता है। अगर आपको कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपको शोकेस करने हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से लैपटॉप एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मोबाइल इसलिए अवॉइड करने के लिए कह रही हूँ क्योंकि मोबाइल के थ्रू बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत तरीके के ऐप्स हमारे मोबाइल में होते हैं जो कंटिन्यूस हमें कुछ ना कुछ अपडेट्स देते रहते हैं, नोटिफिकेशंस आते रहते हैं और तो और कॉल्स भी आते हैं। तो बेटर अवॉइड मोबाइल एंड स्विच टू लैपटॉप वाइल गिविंग योर इंटरव्यू। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही प्लेन, सिंपल एंड सटल होना चाहिए। यानी कि जिस भी जगह को आप चूज़ कर रहे हैं आप कोशिश कीजिए उस जगह पे एक, अगर आप दीवार है तो वो प्लेन दीवार हो, वहाँ पर बहुत कुछ चिपका हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जो डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर सके। तो कोशिश कीजिए एक सिंपल प्लेन सी घड़ी और वो प्लेन सा दीवार, अगर दीवार है तो। अगर अदरवाइज़ अगर आप रूम में हैं तो कर्टन्स आप इस तरीके से लगा सकते हैं। हाँ, अभी फ़िलहाल लाइट्स प्रॉपर नहीं आ रहे होंगे तो कोशिश कीजिए कि प्रॉपर लाइट मिले आपको, ठीक है। तो मैं थोड़ी लाइट यहाँ पे भी दे देती हूँ क्योंकि मुझे भी लगा कि शायद लाइट्स प्रॉपर नहीं है। चलिए, ये था नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्लेन्स जो भी है आपके आपकी जगह पर, एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लमजी ना दिखें, प्लेन सिंपल सटल हो। और इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप ऑनलाइन इंटरव्यू दें रूम को बंद कर दें, कमरे को बंद कर दें, क्योंकि अननेसेसरी के लोग आपके रूम में आएंगे, चीज़ें लेंगे, सामान लेंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। वो अगेन डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है। तो कोशिश करें कि आपका जो रूम है वो आप उसको लॉक करें और अच्छे से आराम से एक जगह पर आप प्रॉपरली बैठें जहाँ पर कहीं से भी कुछ ऐसी चीज़ें, कपड़े, क्लमजी कपड़े ना दिखें, आपका बेड ना दिखे, वो चीज़ें ना दिखें जो आप नहीं दिखाना चाहते हैं। आप सिर्फ अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने आप को एक प्लेन सिंपल जगह पर वहाँ पर प्लेस्ड कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है कि कीप द माइक अनम्यूट व्हेन यू आर नॉट स्पीकिंग। ये आप पर डिपेंड करता है। जब आप नहीं बात कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपने माइक को अनम्यूट कर दें ताकि अननेसेसरी की आवाज़ें, नॉइज़ उन तक ना पहुंचे, और जब आपको बोलना हो तब आप माइक को फिर से अनम्यूट करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीक इन नॉर्मल टोन एंड डू नॉट शाउट। कोशिश करें जब आपका इंटरव्यू शुरू हो तो आपके चेहरे पे एक छोटा सा स्माइल हो, बहुत बड़ा सा स्माइल भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि नॉट लाइक दिस, बट अ सिंपल स्माइल लाइक दिस। तो स्माइल ऐसी चीज़ है ना जिसमें बहुत पावर है, वो एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करेगी आपके कम्युनिकेशन स्किल में, और कहीं ना कहीं इम्प्रेशन देने के लिए भी एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव है, अ स्माइल। तो एक सिंपल सी छोटी सी स्माइल दें कम्युनिकेशन की शुरुआत करने से पहले, और जितने भी पैनलिस्ट हैं, जितने भी इंटरव्यूअर्स हैं, उनको ग्रीट करें एक स्माइल के साथ और अपना इंट्रोडक्शन दें। नेक्स्ट इज़ लाइक, और शाउट तो बिल्कुल भी ना करें, ये याद रखें, चिल्लाएं नहीं। कोई भी पॉलिटिकल व्यू पर अगर आपको आपसे पूछा जाए तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल चिल्लाकर उस चीज़ों को, अपने पॉइंट को रख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने पॉइंट को रख भी रहे हैं तो एक बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से और लॉजिकली अपने पॉइंट को प्रूव करें, ना कि चिल्लाएं। चिल्लाना बहुत ही नेगेटिव इम्प्रेशन देता है। नेक्स्ट इज़ ड्रेस स्मार्ट।
जब भी आप इंटरव्यू दें कोशिश करें आप फॉर्मल में हो और आपकी आपके बाल प्रॉपरली कॉम्ब हो, आपके चेहरे पे थोड़ी बहुत हल्की सी मेकअप हो, पसीने ना हो, आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो और अपने आप को इंटरव्यू से पहले पूरी तरीके से काम से निश्चिंत हो जाएं कम से कम 1 घंटे पहले, ताकि आप नॉर्मल पोजीशन पर आएं और नॉर्मल हो जाएं बिना किसी भी अदर एक्टिविटीज़ के। तो ये था नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट है, वो ये है कि जब भी आप इंटरव्यू दें तो कोशिश करें कि आपके हाथ में एक पेन हो और एक पेपर हो, जैसे कि मैंने यहाँ रखा है। तो पेन और पेपर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अचानक से, जैसे कि कोई भी चीज़, आपको कोई भी बात रखनी हो अपनी, आपके दिमाग में वो चीज़ आया लेकिन आप अभी बोल नहीं पा रहे हैं, पर एटलीस्ट आप वहाँ पर पॉइंट्स लिख दें तो नेक्स्ट बार नेक्स्ट चीज़ में आप उसको इंक्लूड कर सकें। तो पेन और पेपर रखना भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को हमेशा याद रखें। कोई भी पॉइंट, उनकी कोई बातें आपकी लिखनी हो, उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखना हो, कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कोई ईमेल आईडी, तो एटलीस्ट आपके पास पेन और पेपर। अक्सर मेरे साथ बहुत पहले ऐसा होता था कि कभी भी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन के टाइम पर पेन रखा हुआ है और वो चलता नहीं है। पता नहीं आपके साथ होता है या नहीं होता, लेकिन मेरे साथ बहुत बार होता है। इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन पे हूँ, फ़ोन नंबर लिख रही हूँ और मेरा पेन रखा हुआ है और वो नहीं। तो इसीलिए पेन अगर रखे भी हैं तो उसको चेक कर लें कि वो चल भी रहा है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखें कि आपका बैटरी लेवल मोबाइल का या लैपटॉप का फुल हो, यानी कि फुल्ली चार्ज्ड हो, और उसकी माइक प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं, उसका कैमरा काम कर रहा है या नहीं, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपका वाईफाई कनेक्शन काम कर रहा है या नहीं। यानी कि ऐसे एरिया में जैसे कि हमारा जो वाईफाई कनेक्शन है वो हॉल में बहुत ही अच्छे स्ट्रेंथ में रहता है, लेकिन रूम तक आते आते, और क्योंकि रूम बहुत थोड़ा दूर पड़ जाता है हॉल से, तो रूम तक आते आते उसका कनेक्शन वीक हो जाता है, शायद वह नहीं चलता है। तो हमेशा अपने लोकेशन को वैसे जगह पर रखें जहाँ पर आपकी वाईफाई कनेक्टिविटी का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, यानी कि इजीली वहाँ पर आपको कोई कनेक्शंस में एरर ना आए, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपको, ठीक है। यानी कि वाईफाई अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कनेक्शन को नेटवर्क एरिया में आए, अगर आप मोबाइल डेटा भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो नेटवर्क एरिया में इसको इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है बी अटेंटिव, यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप क्वेश्चन को सुने तो बहुत ही अटेंशन के साथ सुने, यानी कि आपको सुनने का जो है वो उसको ध्यान से सुने, ध्यान से परखें और तुरंत से आंसर ना करें, अपना टाइम लें, एक स्माइल के साथ उस चीज़ को समझें और फिर उसको आंसर करें, और लॉजिकली आंसर करें क्योंकि क्वेश्चंस कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन किसका जो नहीं, अगर किसी क्वेश्चन का आपके आपको जवाब आता हो तो बेटर आप क्वेश्चन को स्किप कर दें और आप ये बोल दें कि हाँ आप पास कर सकते हैं क्वेश्चन, बट ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को आंसर करें और बहुत ही इलॉजिकल रीजनिंग देकर उसको आंसर करें, ये बहुत गलत इंप्रेशन देगा। नहीं आता है यू कैन पास, बट इलॉजिकल रीजनिंग ना दें किसी भी क्वेश्चन को लेकर। उसके बाद आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से होना चाहिए, यानी कि आप जब बात कर रहे हैं इंटरव्यूअर से तो आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठें और दिस शुड बी लाइक, ऐसा लगे कि आप सुन रहे हैं अटेंशन के साथ, रिस्पॉन्स दें अटेंशन के साथ, आपकी बातें और आपका हैंड मूवमेंट बहुत ही सिंक्रोनाइज तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो बोल कुछ रहे हैं और आपका हैंड मूवमेंट्स कुछ और ही शो कर रहा है, तो उसका सिंक्रोनाइजेशन अच्छे से होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपकी लैंग्वेज और आपका बॉडी लैंग्वेज या आपका हैंड मूवमेंट्स, ठीक है। और अगेन हैंड मूवमेंट्स को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा किस तरीके से हम आंसर करें, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लाइक ये चीज़ें बहुत कुछ सीखने जैसी नहीं है, ये चीज़ें आपको खुद ब खुद डेवलप करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत सीखनी भी पड़ेगी और उससे ज़्यादा आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और उसके अलावा जो है आप अपने प्रेजेंटेशन पे वर्क करें, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ों पर फोकस करें जिसको आपको शोकेस करना है, लाइक उसको आपको हाईलाइट करना है। यानी हमने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में कुछ ऐसा काम किया है होगा ज़रूर जो कि हम शोकेस कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बता सकते हैं, बातें कर सकते हैं, उनको वो इम्प्रेशन क्रिएटर हो, ऐसी कुछ फैक्ट्स अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, तो हमको ऐसे कुछ फैक्ट्स को उन तक पहुंचाना है और उसके लिए अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ बताना है हमें कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस में हमने क्या किया, ठीक है। इसके अलावा
जो सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि कुछ प्रोफेशनल शब्दों का इस्तेमाल करें आप, यानी कि प्रोफेशनल शब्दों का कहने का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसे वोकैबुलरीज का इस्तेमाल करें, आम भाषा को थोड़ा अवॉइड. ऑब्वियसली आम भाषा तो हमें बोलनी ही है, अगर आप हिंदी में दे रहे हैं तो आपकी हिंदी की शुद्धता होनी चाहिए, इंग्लिश में दे रहे हैं तो आपकी इंग्लिश की प्रोनंसिएशन और उसमें कुछ अच्छे वोकैबुलरीज जैसे कि लीडरशिप, टीम वर्क, ठीक है, इनिशिएटिव, उसके बाद अपॉर्चुनिटी, स्किल्स, गोल्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ें कुछ ऐसी वोकैब्स हैं जो कि कुछ असर छोड़ती हैं हमारे कम्युनिकेशन स्किल में, यानी ये बताता है कि हम कितने प्रॉमिसिंग हैं, हम कितने विजनरी हैं. तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपकी बातों से पता चलना चाहिए कि आप काम को लेकर कितने ज़्यादा सजग हैं, कितने विजनरी हैं, कितना दूर का आप सोच रहे हैं, ये चीज़ें वो ज़रूर जज करते हैं. तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है आपको. और ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ आपको मेंशन करूं. और जो सबसे बड़ा चीज़ जो है मैं यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ आप लोगों के लिए, वो ये है कि वो ये ज़रूर पूछेंगे सबसे पहले इंटरव्यू में, डिस्क्राइब योरसेल्फ, अपने आप को डिस्क्राइब करें. और आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इससे बेहतर आप खुद से ज़्यादा नहीं जानते कि आप अपने आप को किस तरीके से बेहतर डिस्क्राइब करेंगे. एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करें और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें आप जो कि आपके प्रेजेंट चीज़ों को बहुत हाईलाइट करें, ठीक है. यानी कि मैंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल कहा, ये आप मुझे बताइए कि डिस्क्राइब योरसेल्फ के बारे में आप क्या लिखना चाहेंगे. और अगर आप स्टिल कंफ्यूज्ड हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको अपने बारे में डिस्क्राइब करना, अगर आपको इसके बारे में नहीं सही तरीके से पता है तो फिर आपको मुझसे जुड़ना होगा, बताना होगा, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक इस पर डिस्कस करूं कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं और उसके आंसर्स कैसे होने चाहिए. तो एक सांस में मैंने बहुत कुछ बोल दिया. कोशिश की, मैं चाहती थी कि मेरा वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा कम हो, लेकिन 12 मिनट से ऊपर हो चुका है, तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पे विराम देना चाहिए. तो गाइस, प्लीज़ इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करें. और अगर इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें लिखी बताई हैं, अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक इंटरव्यू सेशन पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आऊँ. तो होप यू लाइक द वीडियो. और अगर आपको पसंद आया है तो आपको पता ही आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. कम से कम 5,000 सब्सक्राइबर्स और इतने तो बनते हैं मेरे, तब तो मैं पार्टी करूँगी आपके साथ, सेलिब्रेट करूँगी. तब तक हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय.